पुराने आदमी हो, सबसे मेन समस्या यही है उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होता, तो क्या कारण है मानते हो? कारण हम तो टावर मान रहे हैं, जो टावर है। अच्छा, बारिश जगह जगह टावर लग रहे हैं। इसके लिए आज मैं ये कह सकता हूँ भाई, एक छोटे जो जमींदार है अपने घर पे दूध पीने के लिए रख सकता है, उससे लेके एक व्यापार तक की भाई के पास झोटी खड़ी। और देखो भाई, आज 80,000 से लेके और 1, 10, 1, 15 तक की सभी झोटियां दिखाई। और क्या डिटेल है भाई कृष्ण भाई? इसने 18 kg खरकी ने दिया है जी। खरकी ने 18 kg देने जी, लेना देनी है इसके 1,10,000। 1,10,000 आज तो भाई ले भाई, भाई ना है ना नुसन ले, पर मार्शी कर रखिये दिखाना भाई। चलो ए, तो एक बार में ध्यान नहीं रहता, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा बहुत धोलमा डालना दिल्ली वाला दूध पे, तो यह भी एक सेवा है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज की वीडियो भाई गांव बीरण से लेके आए हैं और आप देख पा रहे हो कि खचा खच आज जो भाई भाई का ठाणा भरा हुआ है, एक से बढ़कर एक जो मुर्रा के नगीने खड़े हैं और जायज भाव से लेके छोटे भाव से लेके बड़े भाव तक की झोटियां बन रही हैं। तो भाई हैं जो छोटे भाव की भी झोटी खरीदना चाहते हैं, आज उनके लिए भी एक समझो एक किस्म की सेल है। और बड़े भाव के जो शौकीन अच्छी मुर्रा नस्ल जो खास ब्रीड रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज वो झोटी है। तो नमस्कार कृष्ण भाई। नमस्कार प्रवीण भाई, सभी पशुपालकों को मेरी तरफ से, मेरे गाँव की तरफ से, आए हुए भाइयों की तरफ से, भाई प्रवीण की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आज कृष्ण भाई कितने पैसे हैं आपके पास सेल के लिए? मेरे पास आज 7 पैसे हैं जी। 7 पैसे सेल के लिए, बहुत बढ़िया भाई। दो चार डेली बिक्री करते हैं? हाँ, डेली की। तो कृष्ण भाई का व्यापार का काम है भाई, लेते रहते हैं, बिक्री करते रहते हैं। तो आज जो इस टाइम पे जो फिलहाल जो मुर्रा का धन खड़ा है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। कई तारीख होगी आज भाई? 16 तारीख, 16 अगस्त हो गई है भाई, और शाम का टाइम है। तो कृष्ण भाई एक बार भैंसों ने दिखाए, उससे पहले आप अपना एड्रेस और बता दें। मेरा गांव है जी बीरण, जिला भिवानी, कृष्ण कुमार यादव, 8059333202। तो ये भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है भाई, कभी भी जो साथी ब्याज लेना चाहता हो बातचीत कर सकता है, अभी भी और आगे भी इनके फार्म पे हमेशा 15 में ऐसे उपलब्ध मिलेंगे जी। तो अभी कौन सी ब्याज दिखाओगे भाई? फर्स्ट में ये दिखाएंगे जी, खरकी झोटड़ी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइमर भाई? फर्स्ट टाइमर है जी। तो फर्स्ट टाइमर झोटी है भाई, आप देख सकते हो नीचे क्या है कृष्ण भाई? कटड़ी है जी इसके नीचे। ये भी और दिखा दें भाई, ये बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा कच्चा। और कई दिन की ब्याई होगी भाई? ये आज होगी जी 9 दिन की ब्याई। 9 दिन की ब्याई होगी। हाँ, तो ये देखे भाई, बिल्कुल कृष्ण भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है, नहीं तो बच्चे के हिसाब से तो कोई 3 दिन का 4 दिन का कहना नहीं चलता, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को मेरे पशुपालकों को एक और पहचान बता देता हूँ भाई। ये देखो, आज तक एक आधा कोई यूट्यूबर बताता होगा अगर कटड़ू की आपने पछाण कर नहीं हो कि कै दिन का ब्याह है, अगर वो 2 दांत है तो ये समझो 6 दिन तक का या 7 दिन है लास्ट। हाँ, और 2 से 4 दांत हो गया तो 10-12 दिन का हो जाता है, तो ये चौथे अभी निकालने में है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 7वां 8वां दिन का हो सकता है। तो ये इस तरह से आप अपने पशु का पहचान कर सकते हो, ये सभी के लिए है। और जो बातें होंगी लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर मैं आगे आई वीडियो में बताता रहूंगा भाई। तो ये इसका रेट क्या है भाई फर्स्ट टाइमर का? इसके 82,000 रुपए। 82,000 रुपए है। दूध कितना है मौके पे? दूध है जी 10 लीटर, 10 kg दूध की भैया। देखो 82,000 रुपए में और इस सीजन में 82,000 रुपए की बहुत काफी अच्छी ब्याज बताई है भाई ने, काफी जायज रेट बताया, गोड़ सिंह है। और भाई मैं आपको टेल की भी बात करूं तो टेल थोड़ी ही हो सकता है भाई, 6 इंच के नजदीक भी सफेद हो सकती है। और बाकी ठीक ठाक है झोटी में भाई, हड़के वेट की है, हाइट लेंथ की भी ठीक है, मीडियम की, ज्यादा नहीं तो अभी है, ज्यादा और है, एक घरेलू ब्याज है। तो कुछ इसमें कंसेशन भी है आए के लिए तो? चलो बहुत बढ़िया भाई, और चाहते हो ये 2 नंबर की झोटी भाई? ये ब्याएगी जी, ये ब्याएगी, बच्चा देगी। हाँ, दूसरे कौन से उसमें? दूसरे ब्यात में। हाँ जी। तो कितना टाइम है ब्याने का इसको? पीछे से एक बार, एक हफ्ता बाकी है। एक हफ्ता बाकी है। हाँ, तो कितने एक दूध दिए भाई इसकी कोई रिपोर्ट हो तो? इसने खरकी ने 14 लीटर दूध दिया। खरकी ने 14 kg दूध दिया। अभी इसका भी रेट बताओगे कुछ? ना कोई रेट नहीं जी, ये तो दिखाने के लिए ऐसा है। अच्छा, आगे ब्याह जाती है अच्छा ना कैसे निकलेगा, उसके बाद में इसका रेट रख देंगे। ठीक, ये तीसरे नंबर होगी। हाँ, इसके नीचे कटड़ी है जी। ये देखो भाई, ये है जी, ये देखो, ये 3 नंबर की। अभी आज कब ब्याई है ये? ये कल की ब्याई हुई जी, आज खीस से खाली करके, खीस से खाली कर दी भाई, कल की ब्याई हुई। इसके भी नीचे फीमेल काफ है, और ये भी देखो काफी भारी भरकम जो झोटी बोलते हैं ना, काफी हैवी वेट की वो झोटी है। अगर देखो कोई किसी प्रकार का झोटी में कोई लेद या कोई और खड़े पीठ पुठे की है तो काफी दुधारू भैंस लग रही है ये भी भाई। और इसकी भी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा।
खीस से खाली हो चुकी है, इसलिए जो अर्डर का साइज है वो आपने छोटा दिखता होगा। तो इसकी क्या डिटेल है भाई कृष्ण भाई? इसने 18 केजी खरकी ने दिया है जी। खरकी ने 18 केजी का कुल दूध तैयार करके दूंगा जी आज, इसकी कोई कीमत। अच्छा, दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा है जी। चलो बहुत बढ़िया भाई, अगर जा देखो हमने तो विश्वास करना पड़ता चाहे हमारी तरफ तो 20 बताओ चाहे 24 बताओ, बिल्कुल बिल्कुल हम तो दिखा सकते हैं, लेकिन 18 केजी अगर किसी ने फर्स्ट टाइमर ने दिया है तो आप ये समझो 23-24-22 से ऊपर ऊपर ही रहती है, तो उस हिसाब से भाई और नीचे कटड़ी है, नीचे ये कटड़ी। चलो बहुत बढ़िया भाई, उस टाइम पर जो दूध तैयार हो जाए उस टाइम पे आप रेट करोगे, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी सोच है भाई। और कौन से भाई सेल वाले? एक वो रही जी, एक ये रही। अच्छा, इसको भी दिखाना भाई साथ के साथ। तो चौथे नंबर की ये है जोटी, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे कटड़ा है जी, यो जी। अच्छा, ये कटड़ा है तो ये भी कच्ची है भाई? ये खीस से खाली करी है जी। अच्छा, ये भी खीस से खाली होगी? बिल्कुल खीस। दूसरा नंबर यो रे भाई, हाँ खीस से खाली करी है जी। तो भाई डेयरी में क्या होता है, उल्ट सुल्ट बांध देते हैं। ये उस ब्याज का कटड़ा है और ज्यादा दिन की ब्याई नहीं लग रही। कई दिन की ब्याई है भाई? ये तीसरे दिन की होगी जी। तीसरे दिन की ब्याई खीस से खाली होली? खाली कर दीजिए आज। अच्छा, सुबह तो ये दिखाए भाई, ये भी काफी अच्छी लंबेट बहुत अच्छी है जोटी में। तो ये भी दुधारू पशु नजर आता है और भाई इसे पता करेंगे, बिल्कुल ब्लैक टेल की है और क्वालिटी भी जो अगर लेवटी की बात करें तो वही अभी खीस से खाली हुई है फिर भी काफी अच्छी है। दूध निकाल दिया क्या इसका? दूध निकाल दिया जी, दूध निकाल दिया। हाँ, खीस से खाली हो चुकी है बिल्कुल। तो इसका क्या रेट है भाई? इसके 1,15,000 रुपए। 1,15,000 है, तो एक बार खोल के दिखाएं इसको। तो भाई कौन सा गाँव है अपना? बाश, आपका भी बाश? तो अपना कौन सा काम भाई? गांव खुड़ासी बहादुरगढ़ में। आपका जी? खुड़ासी। अच्छा, तो पशु लेने के लिए आए हो? किस टाइप के पशु खरीदते हो आप? अठारह बीस के जी दूध की, बहुत अच्छी सोच है किसान आदमी के। जब 18-20 के जी दूध की होगी तो उसमें बचत होगी, तो आप उसके बाद ले जाके सेल करते हो? सेल को प्रॉफिट मार्जिन आ जाए तो सेल भी करते हैं। सेल भी कर देते हैं। अपना दूध का काम, अपना दूध बेचते हैं, दूध बिक्री करते हैं। क्या भाव बिकता है दूध? बिकता है हमारा 2.70। 68 रुपए? 68 रुपए। तो लगभग सभी व्यापारी हो? दूध के व्यापारी। तो मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस सभी साझा करूं, पशुपालकों को आपका फायदा हो जाए। तो अभी आप गर्मी के मौसम में जो दूध ज्यादा खिला भी नहीं सकते पशु को दूध बढ़ाने के लिए, क्या खिलाते हो गर्मी में, किस कैसे ध्यान रखते हो? हम तो भाई खिला रहे हैं सरसों की खड़, पिंडोड़ी खड़, गेहूं का दलिया, मक्की, बाजरा, मिक्स दलिया बनवा के। अच्छा, मिक्स दलिया बना लेते हो? फिर और गुड़ वगैरह, मेथी वगैरह? गुड़ वगैरह, मेथी वगैरह आपकी साइड में हमारी तरफ नहीं चलता, गुड़ जितना खिला दे। गुड़ खिला देते हो, मेथी नहीं चलती हमारे वहाँ। कारण? काम गिरते गुना मेथी, हमने दूध बढ़ाना है। चना? चने का छिलका, खंडा, राजधानी का। अच्छा, तो सभी पशुपालकों के लिए मैं और आपसे एक और बातचीत करना चाहता हूँ। आपने काफी एक्सपीरियंस होंगे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जैसे आज सबसे ज्यादा अगर पशुओं की समस्या चल रही है तो रिपीटर की है, क्या बननी होते उसके लिए आपका कोई पुराने आदमी हो? सबसे मेन समस्या यही है, पशु टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होता। तो क्या कारण है मानते हो आप? कारण हम तो टावर मान रहे हैं, जो टावर है। अच्छा, जगह जगह टावर लग रहे हैं, टावर की बदलते हैं, इनसे हार्मोन डाउन होते हैं। अच्छा, इनसे डाउन होते हैं। तो फिर क्या तरीका अपनाते हो उनका? क्या तरीका आता है जैसे कि आप लोगों के माध्यम से सुनते हैं, कोई खनिज वेषण है, कोई वगैरह जो आइटम बताते हैं वो डालते हैं, वो 5 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, जो ठंडा मौसम आने के बाद में प्रेग्नेंट होती है। देखो, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि वीडियो के बीच में भाई आप लोगों की जो राय है, आप लोगों की नॉलेज है, सभी को पता चले, ये मेरा प्रयास रहता है। और इस वजह से मैं, आप भी व्यास रखते हो तो आपने चने का कैसा रिजल्ट है? चने तो गिरते होगे आपकी तरफ? सबसे ज्यादा दूध बढ़ाने का क्या क्या मानते हो आप? सोयाबीन और चना। सोयाबीन और चना उसी में मिक्स कर देते हो? तो एक सोयाबीन और सब मतलब हड़ के कुट्टा मतलब और चने की चूरी। अच्छा, ये तीनों चार आइटम मिक्स हो जाए। अरहर जो दाल होती है वो, अरहर वाली कुट्टा बोलते हैं, कुट्टा बोलते हैं, छलनी होने के बाद में, पिसने के बाद में कुट्टा हो जाता है वो, हमारी तरफ कुट्टा बोल रहे हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो अब अभी आप शायद जा ही रहे हो, और आप लोगों का भाई सभी को इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिला। और भी कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप जो शेयर करना चाहते हो तो आजोड़ के विनती है, कोई जो सभी साथियों के काम आ जाए, दुनिया याद करेगी आप लोगों को। है कोई ऐसा नुक्ता या कोई गैप बनाने का या छोटे कटड़ों को तैयार करने का कुछ भी जानते हो?
चलो ए, एक बार में ध्यान नहीं रहता, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा बहुत धोलमा डालना दिल्ली वाला दूध पियो, तो यह भी एक सेवा है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी साथी आए वैसे ठीक है, आते रहे अग्रो भाई, बहुत 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 धन्यवाद भाई। वीडियो के बीच में भाई थोड़ा हस्तक्षेप इसलिए करा क्योंकि भाई ये जा रहे थे, तो इनका मेरा ये प्रयास था कि इनका भी नॉलेज आप लोगों को प्राप्त हो जाए। अकेला वीडियो सब देखते हैं भैंसों को, लेकिन ऐसे पशुपालक भी अपने चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं जो सीख रहे हैं और अपना पशुपालन डेयरी व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में भाई ऐसी ऐसी नॉलेज आप लोगों के लिए डालता रहता हूं। धन्यवाद भाई बहुत। तो ये कृष्ण भाई अभी आप शुरुआत करें, तो ये कितना दूध है अभी मौके पे? अभी से खाली होके इसने 4 लीटर दूध दिया, 4 केजी दूध दिया है। तो इसका रेट क्या रखा? इसका 1,15,000। 1,15,000 फिर भी भाई दोबारा होगी, बीच में वो भाई जा रहे थे उनका कोई बात नहीं, उनका सम्मान रखना भी अपना काम है। तो ठीक है, तो ये जोटी है भाई, तो कौन से ब्यात की है कृष्ण? चौथे ब्यात, बहुत बढ़िया भाई। देखो नहीं हरियाणा में मैं एक और बात कहूंगा, एक और चीज ज्यादा चल रही है, तीसरे चौथे से ऊपर टपने नहीं देती, चाहे वो आठवीं नौवीं बार ब्यारी हो, गलत है। लेकिन आप सही बात बताई भाई की है, चौथे ब्यात की है। हाँ जी, और चौथे ब्यात में खीसे खाली होके भाई 4 केजी दूध निकाला इसका, और जैसे जैसे दूध बढ़ेगा वो बात अलग हो जाएगी। आज रेट कितना बताया आपने इसका? 1,15 जी, 1,15। तो उसके बाद अगर देखो भाई, आज काफी जायज रेट के भाई के पास से पशुधन आया हुआ है, और उसके बाद भाई ये और एक कच्ची ब्याई है इसके बाद। हाँ, ये आज ब्याई है जी। अच्छा अभी ब्याई है ये। हाँ, देखो भाई खीस से, अभी खीस में ही है, कटड़ी लेके शायद कटड़ू तो चूंग लिया होगा, चूंग लिया सारी चीज। हाँ, क्योंकि भाई जो गैड़ में है ना, खीस का गैड़ ऐसा होता है, पशु लेटा रहता है। तो ये देख सकते हो भाई आज ही ब्याई है, और अभी खीस से खाली करी नहीं है। तो ये कौन से ब्यात की है? दूसरे ब्यात में, इसको भी खोल के दिखाएं भाई। तो मेरी को प्रयास रहता है भाई, एक एक जो पशुधन है उसको अच्छी तरह से दिखाया जाए आप लोगों तक, और उसका जो रेट भी मालूम किया जाए, ताकि हर पशुपालक जो उसको खरीदना चाहता है आराम से खरीद सके। चला के दिखा दे भाई कृष्ण, ये देखें भाई चारों थनों का जो बनावट है भाई, काफी अच्छी जोटी ने निकाल रखे हैं, जो सेकंड ब्यात में है ये। और थनों का स्पेस अगर आगे की बात करूं तो आगे का भी, पीछे की बात करें तो पीछे का और बराबर का भी गैप चारों थनों का बड़ा अच्छा जोटी ने लिया है। और शरीर की भाई थोड़ी हल्की वेट की है, ज्यादा कोई हैवी वेट में नहीं है, और ज्यादा न हाइट लेंथ की, मीडियम भैंसों में इसकी गिनती है। तो इसका भी रेट भाई से पता करेंगे, एक बार बांध देते हैं कृष्ण भाई खुट्टे से। तो कृष्ण भाई ये भी बिक्री के लिए? बिक्री के लिए। तो इसका क्या रेट रखे आपने? इसके देने जी, लेना देने इसके 1,10,000। 1,10,000 आज। तो भाई ले भाई, भाई ना है ना अनुसमन ले, परमार्शी का रखिए दिखाना भाई, ठीक है? तो क्योंकि ज्यादा पशु हो जाते हैं तो भाई कोई भी व्यापारी ये सोचता है भाई जितनी निकल जाए उतनी अच्छा है। तो 1,10,000 भाई ने रेट रखा है। हाँ, और मेरा जड़ तक मानना भाई ऐसे है कि कोई व्यापारी आएगा खरीदने के लिए तो उसमें 1,000-2,000 की छूट जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा होता भी है भाई उसमें। और देखो भाई आज 80,000 से लेके और 1,10, 1,15 तक की सभी जोटियां दिखाई, और जो बाकी भाई के पास खड़ी है वो उनका दूध तैयार करके ना उसकी बिक्री करेंगे। तो कैसा पशुधन रहा भाई कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों के लिए आज मैं ये कह सकता हूं भाई, एक छोटे जो जमींदार है अपने घर पे दूध पीने के लिए रख सकता है, उससे लेके एक व्यापार तक की भाई के पास जोटी खड़ी है, एक बार कवर करके भी दिखा दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आज बिल्कुल कच्चे, यानी कि 10 दिन से नीचे नीचे की सारी, यानी कि 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह के आज पशु आप लोगों के पास खड़े हैं, और 1 दिन से लेके 10 दिन के अंदर के सारे ब्याई हुई जोटी ताजा खड़ी है। नहीं तो बहुत कम देखने को मिलता है गर्मी के सीजन में कि भाई ऐसा सा पशु धन आप लोगों को मिले। और भाई दूसरे आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखा देता हूँ, ये काला भाई दिनोद से है, तो जो सिंगों का काम करते हैं, काफी अच्छी कारीगरी है, खुर बहुत अच्छे बनाते हैं, जो भैंसों के खुर बच जाते हैं। मैं भी इनको अपने डेयरी फार्म पे बुलाता रहता हूँ, बहुत सुशील स्वभाव के और बहुत अच्छे नेक इंसान। तो आप भी अगर कोई नजदीक का साथी हो इनका भाई, फोन नंबर लेके इनका संपर्क कर सकता है। एक बार काला भाई आपका भी नंबर बता दें। 98-96-38-30-13 तो काला भाई एक बार जो साथी आपसे भी सींग बनवाना चाहे या खुर बनवाना चाहे तो क्या फीस रख रखी है? जायज बताना, ये नहीं मेरे से कुछ लेते हो उनसे कुछ दूर। अपना जी एक रेट है 400 रुपए हर एक से है, कोई भी कहीं भी जाऊं मैं, चाहे 10-15 किलोमीटर एरिया में। अच्छा, उसके बाद दूर जाओगे तो भाई थोड़ा बाद में 100 रुपए फीस पड़ जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया भाई, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, अच्छी तरह सभी भाइयों को आप उधर घर पे जाके ये सेवा देते हो, ताकि उससे सींग बढ़ने से उसका सुंदरता भी बढ़ जाती है पशु की, और उसकी तकलीफ भी मिट जाती है। तकलीफ भी मिट जाती है।
दूध भी बढ़ता जाए, कई पशुओं का सींग गड़ जाता तो उससे बड़ी दिक्कत आती है। तो भाई मेरी देखो हमेशा प्रयास रहता है, और मैं सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों का हमेशा तय दिल से आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, जो आपने इस चैनल को नंबर वन बनाने का काम किया है। कम दिनों में मात्र इतना जो चैनल ने 2 लाख सब्सक्राइब जो पूरे किए, ये मैं आप लोगों का बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ भाई, धन्यवाद ये करता हूँ। देखो एक फौजी आदमी को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मेरे को तो इस चैनल के बारे में पता भी नहीं था, जब सही पूछो तो कि भाई ये के मैं शुरुआत भी कर सकता हूँ। प्रवीण फौजी तने बहुत ज्यादा मेहनत करी, इसलिए आपके नाम सब्सक्राइब इतने हुए हैं, और बगैर मेहनत के कोई काम आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो देखो अकेली कई बार क्या है कड़ा भाई, मेहनत ही काम नहीं देती, और ऊपर वाले का साथ होता है और सभी साथियों का साथ होता है, उसी के ऊपर होता है। मेरा प्रयास भी ये रहता है कृष्ण भाई मैं सच्चाई को दिखाऊं, बिल्कुल आगे लेके आऊं, और कोई बात किसी से छूट भी जाती है तो मैं भाई भगवान नहीं हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, अगर भाई कभी गलती हो जाती है तो भाई इस छोटे बड़े भाई को माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़।